Assalamualaikum student, first year computer studies, chapter number 1, basics of information technology ka lecture number 9. Aaj hum padhenge pointing devices. An input device used to control a pointer on the screen is called pointing devices. An input device jo pointer ko screen par control karne ke liye istemal hota hai, usse pointing device kehte hain. A pointer is a small symbol that appears on the screen in graphical user interface. एक पॉइंटर एक छोटा सा सिंबल होता है, निशान होता है जो स्क्रीन पर अपनी नज़र आता है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की शक्ल में, यानी कि एक ग्राफिकल कलर होता है उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है पॉइंटर की. अ पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बटन्स, आइकन्स, मेन्यूज, कमांड्स. जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए या कोई ग्राफिक्स या कोई दूसरी चीज़ जैसे कि बटन्स वगैरह जो आपकी स्क्रीन पर शो होते हैं या आइकन्स वगैरह या मेन्यूज कमांड्स जो होते हैं. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेज आर एज फॉलोज. जो कुछ हमारे पास कुछ अहम पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं जो यहाँ दिए गए हैं, माउस, ट्रैकबॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइजर, जॉयस्टिक, पेन बेस सिस्टम. ये 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हम आगे डिफाइनली पढ़ेंगे, एक्सप्लेनली पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अब जो पहला पॉइंटिंग डिवाइस है वो है माउस. माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है. इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस. ये एक छोटा और लाइट वेट यानी कि बहुत ही हल्का इनपुट डिवाइस है. इसको इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. ये इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि इंस्ट्रक्शंस को इनपुट किया जा सके एक पॉइंटर के जरिए स्क्रीन में. माउस इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और द पॉइंटर. माउस एक फ्लैट सरफेस एक सीधी जगह पर यूज होता है ताकि ये अपने कर्सर की मूवमेंट को या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके कि वो पॉइंटर किस साइड पे जाएगा और किस साइड पे. इट इज़ अटैच्ड टू द कंप्यूटर वाया केबल और वायरलेस कनेक्शन. ये कंप्यूटर से अटैच होता है एक वायरलेस तरीके यानी कि तार के बगैर कनेक्शन से या फिर तार के केबल तार के साथ. माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़. माउस बहुत आसान होता है इस्तेमाल के लिए, बहुत आसान होता है. माउस यूजुअली हैज़ टू और थ्री बटन्स. माउस के आमतौर पर दो या तीन बटन्स होते हैं इसके ऊपर. दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज सेलेक्टिंग एंड ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम etc. ये बटन मुख्तलिफ खास किस्म के काम को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या फिर किसी न्यू फाइल या प्रोग्राम को ओपन करना वगैरह. इट मे ऑल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. ये हमेशा एक स्क्रॉल व्हील पर मुश्तमिल होता है जो कि अपने लॉन्ग डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है. यानी कि अगर आपकी कोई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, वो पूरे पेज पर नज़र नहीं आ सकती, तो माउस के स्क्रॉल व्हील से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे स्क्रॉल होगी. द ट्रेडिशनल माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम. द ट्रेडिशनल माउस यानी कि आमतौर पर यानी कि जो हर एक जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो माउस है, रिवायती तौर पर जो इस्तेमाल होने वाला माउस है, वो एक उसके पास एक छोटा बॉल होता है उसके सर पर बॉटम पे ज़मीन पे. जो ट्रेडिशनल इस्तेमाल होने वाला जो माउस है आमतौर पर उसकी जो नीचे की ज़मीन है, बॉटम है, उसके नीचे हमेशा एक स्मॉल बॉल होता है ताकि उसे मूव किया जा सके माउस को बहुत आसानी से फ्लैट सरफेस पे. द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ अ बॉल. जो कर्सर की मूवमेंट है वो बॉल के मूवमेंट पर डिपेंड होती है, इनसार करती है. अगर बॉल घूमेगा तो कर्सर भी घूमेगा. द ऑप्टिकल माउस यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बॉल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर. द
जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो एक लाइट रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं बॉल की जगह, ताकि पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके।